हिमेटोलॉजी क्या है और हिमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हिमेटोलॉजी मतलब खून का विज्ञान। हिमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो खून के विकार का निदान और इलाज करता है। हिमेटोलॉजी ये मेडिसिन की ऐसी शाखा है जो पिछले 15 सालों में डेवलप हुई है। हिमेटोलॉजी को हम मोटा मोटा दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, मैलिग्नेंट हिमेटोलॉजी एंड बिनाइन हिमेटोलॉजी। मैलिग्नेंट मतलब खून से उत्पन्न होने वाले कैंसर्स जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। बिनाइन हिमेटोलॉजी में खून का कम होना मतलब अनीमिया, खून का ज़्यादा होना पॉलीसाइथेमिया, प्लेटलेट कम ज़्यादा होना WBCs कम ज़्यादा होना, खून का पतला होना या खून का गाढ़ा होना, ये सारी चीज़ें हिमेटोलॉजी के अंडर आती है। सरल शब्दों में अगर आपके CBC में WBC, RBC और प्लेटलेट में कुछ भी एबनॉर्मल है या फिर ऊपर नीचे है तो आपको हिमेटोलॉजिस्ट या फिर हमसे कंसल्ट करके इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए।